हेलो, वेलकम टू माय पीसी बिल्ड। ठीक है, उधर दिखाओ यार पीसी। वाओ, खर्च हुए हैं 2 लाख पीसी बिल्ड। 2 लाख का पीसी बिल, यस। बट फर्स्ट लेट्स हैव अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। तो इस पीसी को खरीदने मुझे काफी टाइम इसलिए भी लग गया क्योंकि मेरे पास सेविंग्स ही नहीं रहती थी। अगर मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी होती तो शायद ये पीसी मैं पहले ही बना लेता। तो मैं चाहता था कि तुम लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी हो, तो मैंने एक ऐप ढूंढी उसके लिए जिसका नाम है मूविन। तो मूविन एक नियो बैंक है जो टीनेजर्स के लिए, जो टीनेजर्स को एक सेविंग वॉलेट एंड कूल सा डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। इस डेबिट कार्ड के हैं 3 यूनिक डिजाइंस जो कि तुम चूज कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। मूविन ऐप से यू कैन सेव मनी और स्पेंड मनी विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स फॉर द ओटीपी। मतलब एक बार मूविन वॉलेट में पैसे डिपॉजिट करो, फिर जैसे चाहे वैसे तुम इसे यूज करो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ओटीपीज ऑल द टाइम। और इस ऐप में है बाइट साइज वीडियोस जिससे तुम मनी मैनेजमेंट और सेविंग जैसे गोल्डन प्रिंसिपल सीख सकते हो। एंड अभी ऑफर चल रहा है, अगर तुम सनर भी कोड यूज करके कार्ड ऑर्डर करोगे तो मूविन ऐप में तुम्हें कार्ड तो बिल्कुल फ्री ही मिलेगा, प्लस पहले 1000 लोगों को साइन अप बोनस 25 रुपए भी मिलेंगे। इट्स वेरी इजी टू क्लेम, जस्ट क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द ऐप। और जब कोड यूज करोगे, यूज द कोड सनरेवी एंड यू विल गेट 25 रुपीज ऑन योर वॉलेट। सो मूविन से बात करके मैंने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया है वेयर यू गाइस कैन विन 2 Amazon Echo Dot एंड एयरफोन्स। पार्टिसिपेशन करना बहुत ही इजी है। ऑल यू हैव टू डू इज अपलोड अ स्टोरी, टैग मूविन एंड उन्हें बताना है कि तुम इसे कैसे यूज करोगे टू सेव अप योर मनी, एंड बूम, ऑटोमेटिकली यू गाइस आर एलिजिबल टू विन प्राइजेस। और अब कोई बंदा बोलेगा ए सूरज, में 2 लाख नहीं है, ठीक है, 90,300। जस्ट सेइंग, पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो लेना पड़ा, ज्यादा पैसे लगाना पड़ा। कीबोर्ड 9,000। चलो लेट्स बिल्ड अ पीसी। तो सबसे पहले हम खोलेंगे मदरबोर्ड। बाकी ठीक है, मैं पार्ट्स के बारे में नाम नहीं बोलूंगा। अगर कोई पार्ट मैं यूज कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे आता रहेगा यहाँ पे। तो हम रखेंगे मदरबोर्ड को अपने, हमें करना है अपना सीपीयू अलाइन। ठीक है, पिन इसकी सीधी है सारी, यस। तो ये रहा इसका पार्ट, ये रहा इसका गोल्ड पार्ट, ये हॉराइजन ऐसे जाता है ना। बाय द वे ये राइजन है 5800X, रैम है कोरसेयर की 8GB 3200 MHz। तो कई लड़के बोलेंगे भैया आपने 3600 वाली क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास इतने। ठीक है, तुम्हें लगता है मैं रिच बॉय, इतना रिच न्यू मैं। सो फॉर द रैम तुमने ड्यूल चैनल लगानी है, इसमें पहले कलर बने हुए हैं, नाइस। और इसको अलाइन करके देखना है कि साइड को लगेगी, इस साइड को लगेगी, और अपना नहीं इस साइड को लगेगी, इस साइड को लगेगी, यस। शाबाश, सेकंड रैम स्टिक। अब हमें अप्लाई करनी है SSD। ठीक है, ये सैमसंग की, अच्छा पार्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखिए पार्ट स्क्रीन पर लिखे आ जाएंगे, पता नहीं क्यों बता रहा हूँ मैं पार्ट। अच्छा, मदरबोर्ड के बॉक्स में स्क्रू थे इसके SSD के। मेरा मदरबोर्ड का बॉक्स कहाँ गया? मदरबोर्ड का बॉक्स पता कहाँ है? अच्छा सॉरी, स्क्रूज। मुझे लग रहा था कि इट्स गोना बी अ इजी राइड और थोड़ा सा नर्वस होता है बंदा, पर चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस। अप्लाइज टू हियर। अब हमें पहले नीचे लगाना पड़ेगा एक स्क्रू। ओ माय गॉड, पहले मुझे स्क्रू लगा लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, पहले हम लगाएंगे ये। ठीक है, ये कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रहा है ना बस। ठीक है, कुछ प्रोस पीसी मेकर लाइनस टेक टिप्स को मुकाबला। आई नो लॉट ऑफ पीसी मेकर्स अब क्रिंज कर रहे होंगे, ठीक है, चुप कर जाओ, यहाँ पे अभी यही हो रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे करेंगे, अब लाइन ये उसके ऊपर से लगाएंगे हम इसे स्क्रू। फाइनली आफ्टर सो मेनी ट्राइज SSD लग चुकी है, थैंक गॉड। इसमें SSD की वैसे SSD की वही नहीं है, हीट सिंक नहीं है, हीट सिंक इस साइड है, बट यू नो व्हाट, we'll leave on the edge. That is done for the motherboard. Let's go to the case. So the case जो आज हम यूज कर रहे हैं वो है लियन लीका 215, okay? So this is the case. ज़्यादा शो नहीं कर पाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे गाइज ग्लास लगा यहाँ पे, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, ग्लास लगा इसमें बस, यस। सबसे पहले तो हम अपना लगा लेते हैं आयो इधर। यू नो वट, मैं वीडियो के ऊपर पोस्ट कॉम करूंगा क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बार हो चुका है, फक। फिर सबसे पहले तुमने लगाना है आयो शील्ड। वाओ, आयो शील्ड लग चुकी है, बहुत नाइस। उसके बाद तुमने अपने केस के अंदर लगाना है मदरबोर्ड, यस, मदरबोर्ड की स्विच लाइन करनी है और उसके बाद उसके लगा देनी है 8 स्क्रूज, ओके, यस। मेरा मदरबोर्ड है M80X, क्या करोगे इस इन्फॉर्मेशन का? I don't know from where I found this screwdriver जिसका टॉप बॉटम से भी छोटा है। Now motherboard is in place, इसके बाद रेडिएटर लगाते हैं, बट अभी तक मेरा रेडिएटर आया नहीं है। ठीक है, केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं, यस। उसके बाद हाँ, बैक पैनल खोलना है, ठीक है,
ऊपर से देखने है कि पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें सब समझाऊंगा, बट यू नो व्हाट, मैं इतना प्रो नहीं हूँ। आई एम गोना लिख सम वीडियोस जिसके करके तुम अच्छा सीख लोगे, तो मैं बस दिखाऊंगा। मैंने बस लगा लिए हैं। उसके बाद लगाना है अपना ऑडियो का बोर्ड, और उसके बाद अपने पावर LED एंड स्विचेस लगा लेने हैं। हम पहले CPU की केबल लगा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद वरना रेडिएटर नहीं लगेगा। एंड उसके बाद हमने लगाई CPU की केबल। बहुत नाइस, बहुत सही, बहुत हार्ड, बहुत फाड़। लुक व्हाट इज हियर, मेरा फाइनली रेडिएटर आ गया, बट अब इसे हम बाद में लगाएंगे। एक मुझे ARGB केबल लगानी थी, आई थिंक और कोई रहती नहीं है। ARGB 1 2 1, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लगा देना ऐसे। लग गया। अब लड़को तुम बोल रहे होगे कि भैया आपने इसकी जगह RGB फैन लगाना था, ये जो फ्रंट में लगा है। देखो पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है, जितने थे मैंने लगा चुका हूँ, और पैसे नहीं लगा सकता मैं इस बिल्ड में अभी। प्रीत, ये रेडिएटर में देख रहे हो, ये जाम आए हैं, ये देखना डैमेज है ना। तो गाइज, मेरा जो कूलर आया था उसमें थोड़ा सा निकल गया है। एक्चुअली क्या था, उसका फैन एक अटैच नहीं हो रहा था, और दूसरा उसके रेडिएटर में ऐसा लगा था किसी ने कुछ मारा हुआ है, पता नहीं, वो बहुत टेढ़ा सा थोड़ा सा, तो मैंने उसको रिप्लेस होने के लिए दिया हुआ है। तो अब हम लगाते हैं अपना PSU रेडिएटर, तो लगा नहीं सकते, तो चलो ग्राफिक कार्ड लगा के बंद करते हैं। ये है डीप कूल की पावर कूल, जैसे की, और ये फुली मॉड्यूलर, ठीक है। तो अब इसमें लगाते हैं पहले सप्लाईज। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो PC बिल्ड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लगाई अपनी पावर सप्लाई। यस, पावर सप्लाई में लगाई मदरबोर्ड की केबल, CPU की केबल मैंने पहले लगा दी थी, ठीक है। PCIe स्लॉट्स लगाए ग्राफिक कार्ड के लिए। पता है मुझे लड़कों समझ नहीं आ रहा है, बस समझते रहो, तारे लगानी है चीज़ों के लिए। तारे लगाई, ओके, बैठ गए, क्योंकि बस समझ ही नहीं आ रहा था कैसे लगानी है। उसके बाद तारे लगाने के बाद तारे गिन गिनिए आए चुप। उसके बाद हमने अपना क्या बोलते हैं पावर सप्लाई डाल ली केस के अंदर, ओके। उसके बाद आई नो, वाओ, व्हाट अ वंडरफुल, क्या तारे, ऑर्गेजम हो गया तारे देख के, सॉरी। उसके बाद हमने स्क्रू इन कर दी सारी, वो क्या बोली जा रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट PC डन, बस ग्राफिक कार्ड लगाना रह गया लड़को। अच्छा, तब तक मैं बाकी चीजें दिखा रहा था एक बार, ठीक है। दिस इज माई कीबोर्ड, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इट्स फुल मैकेनिकल, ठीक है, RGB सब है इसमें, सब चलता है। गाइस, फुल गेमिंग हो सकती है इसमें। और मेरे से बहुत लोग पूछे थे ये Keychron का कीबोर्ड कहाँ से ले सकते हो, तो दिस वेबसाइट इज Keychron.in। अनदर आइटम इज दिस Hyperfury G402, ठीक है, Logitech का माउस है। वाओ, बटन, जितने बटन उतना अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8, Yes, 8 buttons, so you know it's gonna be good. Now it's time for the graphic card, जिससे पढ़ाई तेज तेज हो सकती है। Oh my god, I still can't believe मैंने इसमें 90,300 उड़ाया है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर कोई लड़का बच्चा पढ़ता होगा तो वो पेरेंट्स को क्या बोल के लेगा। इट्स सो एक्सपेंसिव मैन, 90,300 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। बाकी सीधा कनेक्टर मिलते हैं जो हम यूज नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे ग्राफिक कार्ड यूज। ओके, यस बेबी। वाओ गाइस, इसमें फैन है, फैन 90,000 के 3-2 फैन आते हैं। मैं लिटरली बाइक ले सकता था इतनों की, बट ये ऐसी है। इस स्विच को नीचे करना, ठीक है, उसके बाद डालने से लग गया। फाइनली ये भी लग गया, सब हो चुका है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, एक बार इसे ऑन करके देखेंगे, चाहे 5 सेकंड में ही ऑफ कर दे। डैम, मुझे नहीं पता इसके मदरबोर्ड में भी RGB है। एक पैक अनबॉक्स कर लेते हैं, लास्ट रह गया, पूरा PC बन चुका है, ठीक है। डोंट आस्क मी अबाउट वायर मैनेजमेंट, इट्स लुकिंग रियली रियली गुड। एक बार चला लेता हूँ, इवन दो CPU कूलर नहीं लगा हुआ, ठीक है, 10 सेकंड के लिए तो ऑन कर ही सकता हूँ मैं। ओके, हियर वी गो। ओह डैम, सो या, इट्स वर्किंग कंप्लीटली फाइन। रैम भी लिखी आ रही है, नो फैन भी लिखा आ रहा है, तो वो लगाना पड़ेगा। बाकी यस, कंप्यूटर चल रहा है। सो दैट इज इट गाइस, इसके आगे चल नहीं रहा है, रेडिएटर आएगा उसके बाद ये PC यूज हो पाएगा, तब तक पता नहीं कैसे करूंगा मैं। वाओ डब्बा, नाइस डब्बा, गुड RGB डब्बा हो गया। अच्छा, मदरबोर्ड में ब्लिंक ब्लिंक होता है विदाउट उसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
हे भगवान, कैसा पीसी बिल्ड है जहाँ पे पार्ट्स ही पूरे नहीं है। दिस वाज अ 2 लाख पीसी बिल्ड। प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे आगे होंगे कैसे 2 लाख का हुआ है। बाकी डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।